हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरी किचन में आपका स्वागत है। मैं सूफिया। आज हम बनाएंगे काबुली चने के कबाब, जो कि बहुत टेस्टी बनकर आते हैं। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम काबुली चना लिया है और इसे मैंने करीब 7 से 8 घंटा इसको भिगो रखा था। सबसे पहले इसे हम थोड़ा सा बॉइल्ड करेंगे, जिससे कि ये अंदर से ज़रा भी कच्चे नहीं रहे, क्योंकि चना हम जानते हैं कि हार्ड होता है। तो कुकर के अंदर हम इसको डाल देंगे। थोड़ा सा आधा कप के करीब हम इसमें लेंगे पानी और थोड़ा सा इसके अंदर हम सॉल्ट डाल देंगे, 1/2 टीस्पून। तो इसे हमें बस हाफ कुक करना है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ढक्कन लगा देते हैं इसको। हमने इसे गैस पर रख दिया है। पहले हम इसे हाई फ्लेम पर 1 सीटी लगाएंगे। 1 सीटी आ गई है। फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए हम बनने देंगे। 5 मिनट के बाद हमने लिड खोल दी है। इसे हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ये ठंडे हो चुके हैं, इसको हम जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। बनाना बहुत आसान है और जल्दी बन के आ जाता है। थोड़ा सा इसमें मैंने डाला है हरा धनिया, 2 ली है मैंने हरी मिर्चें और 1/4 लिया है मैंने इसमें प्याज। बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी कबाब बनकर आते हैं। 1/2 टीस्पून ले रही हूँ मैं गरम मसाला, 2 टीस्पून लिया है मैंने इसमें बेसन, 1/2 टीस्पून लिया है ज़ीरा और थोड़ा सा ही हम इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक हमने पहले भी डाल रखा है, तो 1/4 टीस्पून इसमें मैं नमक डाल रही हूँ और इसको हम कोर्सली ग्राउंड करेंगे, मतलब हल्का दरदरा सा। 1/2 मैं इसमें लेमन जूस डाल दूंगी। यहाँ मैंने इसको देखेंगे आप कोर्सली ग्राउंड कर रखा है। थोड़ा सा इसके अंदर हम हरा मसाला मिला देते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने फाइन चॉप लिया है हरा धनिया, 1 हरी मिर्च ली है फाइन चॉप और 1/4 मैंने ली है प्याज, इसको भी मैंने फाइन चॉप कर रखा है। हम इसके अंदर इसको मिला देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाथों को हम हल्का सा और इसे ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसकी टिक्की बना देते हैं। तो बहुत ही आसानी से टिक्की बन जाती हैं। पहले हम एक बॉल बनाएं, अब सिंपली जैसे हम टिक्की बनाते हैं। तो आप इसे रमज़ान में बनाएं, इफ्तार में, या आप इसे कभी भी स्टार्टर के रूप में या स्नैक्स में, टी टाइम पे आप कभी भी इसको बनाएं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके से बना के हम पहले सारी टिक्कियाँ रख लेते हैं, फिर फ्राई करेंगे इसको। ये हमने टिक्की बना के रेडी कर ली है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर का घोल बनाएंगे। इससे क्या होगा कि ये जो है टिक्की ज़रा भी आपके फंसेगी नहीं, मतलब बिखरेगी नहीं। तो थोड़ा सा पानी डाल के बस हमें इसकी थिक सलरी बनानी है, गाढ़ा सा घोल इसका बना लेते हैं हम। अगर आप चाहें तो खाली चनों को बॉईल ना करें, डायरेक्टली चनों को ऐसे ही सोक करके भिगो कर ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा क्या होता है, अंदर से फ्राई करते हुए चने कच्चा रह जाता है कबाब, तो खाने में टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पे इसलिए मैंने इसको चने को थोड़ा सा बॉईल कराया है, जिससे ये पूरी तरीके से अंदर से पका हो। तो ये हमने सेलरी तैयार कर ली है, ऑयल हमने गर्म होने रख दिया है। इसके अंदर हम इसको डिप करेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ जितने में पैन में आ जाएंगे उतने डाल दूंगे। तो यहाँ पे हम शैलो फ्राई करेंगे इसको, बस डिप कर देंगे इसके अंदर और इसके अंदर डाल देंगे। इसको हम मीडियम से लो फ्लेम पर करीब 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई होने देंगे। इसको हम पलट देते हैं। अब दूसरी तरफ से भी हम इसको करीब 1 से 2 मिनट के लिए इसको फ्राई होने देंगे। ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो मुश्किल से इसको 3 मिनट लगे हैं फ्राई होने में। इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, बाकी भी इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं।
ये काबुली चने की कबाब बनकर रेडी है। आप इसे एंजॉय करिए टी टाइम के साथ या कभी भी जब भी आपका दिल करे। मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, गुड बाय, हैव अ गुड डे।